दुर्गा पूजा महोत्सव के दौरान आज दिन गुरुवार को कालीबाड़ी मंदिर परिसर में धूमधाम से महानवमी पूजन का आयोजन किया गया। सुबह के सत्र में हवन यज्ञ का आयोजन किया गया जिसमें भक्तों ने पूर्ण आहुति दी। इसके बाद दोपहर में भोग भंडारे का आयोजन किया गया जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। इसके बाद संध्याकालीन सत्र में अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित हुई जिसमें लोगों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसके बाद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता बाल कलाकारों एवं प्रतिभाग करने वाले सभी लोगों को सम्मानित किया गया। इस दौरान समिति के प्रमुख सचिव असीम कुमार मित्रा सहित एसके राय, हेमंत विश्वास, हिमांशु मुखर्जी, सौरभ चक्रवर्ती, सुमित्रा राय, संगीता राय, शर्मिला विश्वास, आकाश घोष, बाबुल देवनाथ, तापसी विश्वास, मानसी विश्वास, शालीन चक्रवर्ती आदि शामिल रहे। आज सर सुबह महानवमी का पूजन हुआ है, उसके बाद पुष्पांजलि हुआ है, हवन हुआ है, उसके बाद प्रसाद वितरण हुआ है, अब जो भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है और शाम को जो है या कई अभी दिन में ये भी हुआ है कि बच्चों का ड्राइंग कॉम्पिटिशन हुआ है अलग अलग ग्रुप्स के और शाम को जो है मृत्यु साथ नृत्य होगा, लेडीज़ का जो है कम्पिटिशन है। इसके अलावा शंख ध्वनि कम्पिटिशन कल भी हुआ है, सर आज भी होगा, उल्लू ध्वनि कम्पिटिशन भी होगा और एक जो है लेडीज़ और जेंट्स का एक जो कम्पिटिशन है कपल्स का कम्पिटिशन होगा, ये सारे कम्पिटिशन आज होगा। और उसके दौरान जितने भी लोगों ने पार्टिसिपेंट हैं उनमें फर्स्ट सेकंड थर्ड को तो एक अलग से उनको गिफ्ट दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी पार्टिसिपेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किए हैं सबको एक स्मृति चिन्ह हमारी सोसाइटी की तरफ से भेंट किया जाएगा कालीबाड़ी की तरफ से, उनको यादगार के लिए ये कालीबाड़ी की तरफ से आपको मिला है। और जो है उसके बाद हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में हमारे मुरादाबाद के DRM साहब, ADM CD साहब और कमिश्नर साहब को रहने की हमारे भी उन्होंने बात हुई है। देखिए तीन समय तक कौन कौन पहुँच पाते हैं ये तो वक्त बताएगा, फिलहाल हमारे साथ उनकी यही बात है। कल क्या कार्यक्रम होगा? कल जो है करीबन 11 बजे सिंधु उत्सव होगा यहाँ पे, सिंधु उत्सव के साथ साथ उससे पहले जो है यहाँ पे जो खीला होता है खीले और दही चूड़ा उसको जो मिश्रण करके माँ को भोग चढ़ाया जाता है, प्रसाद चढ़ाया जाता है, तो प्रसाद माँ को जो है वो सबको प्रसाद वितरित किया जाएगा। उसके बाद माँ को दर्पण को देख के माँ पर माँ के दर्पण माँ को दिया गया है, दर्पण को देख के माँ का जो घट जो है उसको जो विसर्जित वहीं पर किया जाता है, उसका ढीला दिया जाता है। उसके बाद माँ की मूर्ति को करीबन हम 1.5 बजे के यहाँ से ले जाके राम गंगा में लेकर पीछे माँ को विसर्जन करेंगे। उसके बाद वहाँ से लौट के आएंगे और यहाँ शांति जल का जो है छिड़काव किया जाएगा सब के ऊपर, जो पंडित जी वहाँ से लेके आएंगे मंत्र उच्चार के साथ साथ वो जो शांति जल का छिड़काव करेंगे सबकी शांति कामना के लिए, घर की, परिवार की, देश की, सबकी, सभी के लिए। और ये भी कहना चाहते हैं कि कोरोना काल में जो है ये जो हमारे विदिशी का कितना जो बीमारी आई थी उसकी जो है बिल्कुल विलुप्त हो जाए, यही हमारी सबसे कामना होगी। वहाँ से हमारे साथ हमारे यही निवेदन है। जय जय माता।